गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, 1 लाख प्रक्रिया के तहत है, 5 लाख बचा हुआ है, 25 आते थे 10 लाख को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये 17 महीना जो बोल रहे हैं ये तो नौवां फेल है। इनको बुझाता है कुछ, कुछ दिमाग चलता है क्या? इनको दिमाग चले, मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री इनको 17 महीना का नौकरी दे दिया नीतीश जी, और फिर हटा दिए। तो गोली चलाया, जो गोली चलवाता था वो राज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। अपराधी अगर अपराध भी करेगा तो पाताल में भी उसको खोज लिया जाएगा, इतना तय मानिए। और सवर्ण समाज के बारे में कोई फकर बट मत लगाइए, पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का जो उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को निश्चित तौर पर सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, जाति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई समुदाय का लोग हो, वो 25 तारीख को भारी मतों से मतदान करके विजयी बनाने का। नमस्कार, हमें रोहित रवाल मैच बॉक्स, अभी मैच बॉक्स की टीम कोरड़गांव में मौजूद हुआ। आज सिवान में संजय सिंह जी के आगमन भैया जो जदयू के MLC बानी और बिहार के स्वर्ण समाज के सबसे बड़ा चेहरा के रूप में बानी। आज कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लेके जौन प्रकार से बात कहल जाता है कि कुछ लोग आधा होने बा, कुछ लोग आधा एने बा, असली सच्चाई जाने का चाहता नहीं कि जो स्वर्ण समाज के महाराणा प्रताप के लोग बाटे और जे मनु जे मान सिंह वाला लोग बाटे केकरा साथे बा। संजय सिंह जी सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात चल रहा बा स्वर्ण समाज के, बहुत सारा लोग दावा करता कि स्वर्ण समाज जौन बाटे साहेबवादी हो गई बा, 80% स्वर्ण समाज अब साहेब विचारधारा के लोग वोट दिखा सके, साहेब बहुत स्वर्ण लोग के रक्षा कर ले बा। देखिए, जिन जिन जिस व्यक्ति का नाम ले रहे उस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात जान जाइए, सिवान लोकसभा जब का जो चुनाव होगा 25 तारीख का, सारा स्वर्ण सारे सभी जाति दल के, सभी जाति लोग के जो लोग हैं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग हमारे प्रत्याशी यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को वोट देकर 25 तारीख को भारी मतदान करेंगे और लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में भेजने का काम करेंगे। जो आप बोले हैं कि इधर आधा बटल बा, उधर कोई कोई बटल बा ना, सब लोग हम लोग के साथ है, देख ला सब लोग के बा यहाँ पर साबित क्या करता, सब लोग हम के साथ, हम लोग के साथ है बा। समझ लो, ये गलत फहमी रह कर नहीं रहना चाहिए, सब लोग साथ में है। और ये देखिए, चुनाव अभी 25 को ना आने दिए, समय कैसे परिवर्तन होता है लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, मान सिंह के बात होता है, स्वर्ण समाज मान सिंह बीजेपी के लोग के साथ, असली स्वर्ण समाज खातिर जे साहेबवादी साहेब खातिर खड़ा रहे, जब पूरा मालिक आतंक रहे तो उहे खड़ा होकर गोली चलाओ तो उहे रक्षा करते। अब कौन मान सिंह है, कोई जयचंद है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ही जानते हैं कि जो गोली चलाया और जो गोली चलवाता था वो राज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। अपराधी अगर अपराध भी करेगा तो पाताल में भी उसको खोज लिया जाएगा, इतना तय मानिए। और सवर्ण समाज के बारे में कोई फकर बट मत लगाइए, सारा सवर्ण समाज मोदी जी और नीतीश जी के साथ है, वो 25 तारीख को मतदान होगा, वो साबित करते हैं। अच्छा, एक तरफ रमेश कुशवाहा जी हैं, उनपे उनका पिछला जो अतीत है उनको लगातार पीछा नहीं छोड़ रहा है, 48 केस की बात हो रही है और 6 इंच छोट करने की। अच्छा, बात पीछे का राजनीति में हम नहीं जाना चाहते जी। वो तो 15 साल का जो आतंक राज था, पति पत्नी का राज, उस राज में कोई जाना चाहता है क्या जी? अब तो विकास जो करता उसी के साथ रहेगा लोग जी। तो पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का जो उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को निश्चित तौर पर सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, जाति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई समुदाय का लोग हो,
वो 25 तारीख को भारी मतों से मतदान करके विजयी बनाने का। अच्छा, एक जैसे रोजगार की मैंने बात कही, 17 महीना आप लोग महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव का मानना है कि 17 महीना में जो हमने कार्य किया वो दूसरा नहीं कर सकता है क्योंकि सारा क्रेडिट हमको जाता है। ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता राज करते थे, कितने लोगों को नौकरी दिया, जब एक सूबे का मुख्यमंत्री कोई कैबिनेट में साइन कौन करता है, आप दो मीडिया के लोग है, मुख्यमंत्री जी करते। 7 निश्चय में तय हो गया था कि 10 लाखों को नौकरी करेंगे, आदरणीय एनडीए में हम लोग थे, और गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, 1 लाख प्रक्रिया के तहत है, 5 लाख बचा हुआ है, 25 आते थे 10 लाख को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये 17 महीना जो बोल रहे हैं ये तो नौवां फेल है। इनको बुझाता है कुछ, कुछ दिमाग चलता है क्या इनको, दिमाग चले? मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री इनको 17 महीना का नौकरी दे दिया नीतीश जी, और फिर हटा दिए। संजय जी, दिमाग चल रहा है तभी ना 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग ऐसा है ना कि 1 करोड़ नौकरी कौन देगा नहीं देगा, ये चमड़े का जुबान है, जो बोलना है बोल दीजिए। नीतीश जी ने वायदा किया है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, निश्चित रोजगार मिलेगा, फिर आगे होगा, फिर बढ़ेगा। हम लोग वचन जो देते हैं वही काम करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम लोग वचन देंगे उसको पूरा करेंगे। चलिए, हमारे साथ देख सकते हैं कि जदयू के एक बहुत बड़ा चेहरा स्वर्ण समाज के जन संजय सिंह जीवानी, वहां से फेस टू फेस बात भैया, और बहुत सारा क्लियर हो गए कि स्वर्ण समाज किकरा साथ है।